पिछोर अनुविभाग के लहरा हरिनगर गांव में ओलावृष्टि होने से किसानों की फसल हुई नष्ट। निरीक्षण करने पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष राजू बाथम। भाजपा जिला अध्यक्ष राजू बाथम ने ओलावृष्टि ग्रामों का किया निरीक्षण, जहां लहरा हरिनगर गांव में अति ओलावृष्टि होने से किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। निरीक्षण के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि किसानों की आई हुई फसल जो कि ओलावृष्टि होने से पूरी तरह नष्ट हुई है, प्रशासन इस बात की मॉनिटरिंग कर रहा है और सर्वे कर रहा है और सभी किसानों को उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। साथ ही जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की सरकार किसान के दुख दर्द में हमेशा खड़ी रहती है और जो भी किसानों का ओलावृष्टि होने से नुकसान हुआ है, उस नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। सचिन राज भट्ट की खास रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, आज आपके द्वारा ऐसे गाँव का निरीक्षण किया गया जहां ओलावृष्टि से किसानों की फसल नष्ट हुई है, क्या कहेंगे इनको, किस तरह से मुआवजा देगी सरकार? देखिए, मेरा भी आज जाना हुआ है। मैं आया तो था नया गांव में। हमारा बूथ विस्तारक योजना के तहत हमने एक बूथ क्रमांक 124 की बैठक भी ली है और आवश्यक करनीय कार्य भी किए, लेकिन लहर्रा और हरिनगर में जो ओलावृष्टि हुई और किसान उससे जो परेशान है और सारे किसान हताहत अवस्था में मुझे वहाँ मिले कि भाई कैसे हमारे खेत में आई हुई फसल चली गई है, तो सभी को ढांढस बंधाया और सरकार हर संभव प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के सभी सरकार के हमारे जो नेता हैं, मंत्रीगण हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, बहुत ही संवेदनशील हैं और इसमें RBC 64 के अंतर्गत पूरा मुआवजा दिया जाएगा। अधिकारी भी आज साथ में थे, तहसीलदार भी साथ में थे, जिला कलेक्टर ने भी भ्रमण किया है, तो सभी जो है मुआवजा, इनको उचित मुआवजा दिया जाएगा और वो शीघ्र से शीघ्र इसमें पटवारियों को भी निर्देशित किया है कि वो मौके पर जाकर और सारी कार्रवाई करें।